आज इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे खगड़िया से कुशेश्वर स्थान रेल प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में। काम कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ जानकारी अब तक निकल के सामने आई है, इसकी ताज़ा अपडेट हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल प्रोजेक्ट 60 करोड़ रुपये मिले हैं। महेशखूंट से अगवानी तक रेलवे लाइन को लेकर सर्वे किया जाएगा। राशि की व्यवस्था की गई है जो 50,000 है। खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली केसर ने इस दिशा में पहल किया है। सुदूर गांवों में अब ट्रेन की सीटी बजने की उम्मीद जग चुकी है। कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो और इस प्रोजेक्ट को गति मिले, तो ऐसे में इस बार के रेल बजट से मिली राशि के बाद इस प्रोजेक्ट का काम भी चालू होने की उम्मीद है। खगड़िया से अलौली तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है और इस बजट में खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल प्रोजेक्ट को लेकर 60 करोड़ रुपए मिले हैं। सिमरी बख्तियारपुर वाया बेलदौर होते हुए बिहारीगंज रेल प्रोजेक्ट के सर्वे को ले मिली राशि दूसरी ओर सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर वाया बेलदौर होते हुए बिहारीगंज रेल प्रोजेक्ट को लेकर सर्वे का प्रावधान किया गया है। सर्वे को लेकर नए बजट में राशि का प्रावधान भी हुआ है। फिलहाल यह राशि 30,000 की है। सूत्रों के अनुसार दशकों पहले तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र ने बदला घाट से वाया बेलदौर होते हुए मधेपुरा जिला के बिहारीगंज तक रेल प्रोजेक्ट को लेकर सर्वे कराया था। उनके निधन के बाद इस सपने पर फिलहाल रोक लग गया था और काम सुस्त पड़ गया था, लेकिन इस बार के बजट में अब लगता है कि यह काम भी फिर से चालू होने की उम्मीद है। सिमरी बख्तियारपुर से बेलदौर होते हुए बिहारीगंज रेल प्रोजेक्ट के सर्वे कार्य को लेकर कुल 8,10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2022 में 30,000 और वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2023 में 30,000 रुपए मिले हैं। सर्वे को पूरा करने के लिए 6.5 लाख और चाहिए और अभी बेलदौर की 3 लाख की आबादी 50 किलोमीटर दूर सहरसा अथवा खगड़िया जंक्शन पहुंचने के बाद ही महत्वपूर्ण ट्रेन को पकड़ पाती है, तो ऐसे में यहां के यात्रियों को आने वाले समय में उनके क्षेत्र से ही ट्रेन मिल पाएगी। लेकिन अभी तैयारियां शुरू हुई है, तो ऐसे में यह प्रोजेक्ट कब तक कम्प्लीट होगी इसका अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब।